में आप बात कर रहे हैं अपने डेली सेगमेंट टुडे टॉक्स ऑन पेनी स्टॉक के बारे में। ये आज की डेट है। यदि हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले आईएफसीआई शेयर के बारे में, एफसीएस सॉफ्टवेयर, वोडाफोन आइडिया एंड क्रम वाइज जिस तरह से ये इसमें लगे हुए हैं उसी तरह से बनवाई बन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईएफसीआई शेयर के ऊपर। एंड मैं आपको डेली बेसिस पर जैसे बोलता हूँ कि यदि आप वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लास्ट में जाकर लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आईएफसीआई सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यदि इसमें देखें तो इसका जो प्रीवियस क्लोज यहाँ पर हमें समझ में आता है ये था 16 रुपए एंड 15 पैसे। ये आज ओपन यहाँ पे होता है 16 रुपए एंड 25 पैसे पे, देन ये अपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पीक बना लेता है 16 रुपए 40 पैसे का, देन फिर उसके बाद ये गिरना स्टार्ट होता है। एंड ये लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे 3:30 बजे के 15 मिनट पहले ही ये अपना लो यहाँ बना लेता है। इसका जो लो निकल के आता है वो 15 रुपए एंड 80 पैसे निकल के आता है। एंड लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर यह बंद हो जाता है यहाँ पर 15 रुपए 90 पैसे पे। ओके, एंड इसकी डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात करें तो आज की इसमें डिलीवरी कल से काफ़ी कम रही है। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं जो डिलीवरी यहाँ पर वॉल्यूम रहा है वो ओनली 82। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पे वॉल्यूम रहा है वो यहाँ पे 82 लैक कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 82 लैक का। एंड इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है वो ओनली 33 लाख की उठाई गई है। कल से बहुत कम डिलीवरी है एंड वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो वॉल्यूम में डिलीवरी जब दोनों कम होते हैं तो ये एक मतलब फ्लैट ही परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी कम था तो उसके साथ साथ परसेंटेज वाइज में यदि हम चेक करेंगे तो कल से डिलीवरी ज़्यादा है। तो ये जरूर यहाँ पर पॉजिटिव संकेत इसके लिए कल के लिए बन रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से। यदि हम एफसीएफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एफसीएफ सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट प्राइस यहाँ पर निकल के आ रहा है वो 3.75 रुपए। एंड ये आज पूरे दिन यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे ये अपर सर्किट में चलता रहा। ये सुबह 3.75 रुपए पर ओपन होता है अराउंड 4% की एक अच्छी तेजी के साथ, एंड पूरे दिन भर वहीं चलता रहता है। यदि हम इसके और पुराने चार्ट की बात करें, 1 मंथ के चार्ट की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे अपर सर्किट्स हैं। ये लगातार 15 से 20 अपर सर्किट्स में पहुंच चुका है एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अपवर्ड मोमेंटम जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। यदि इसकी डिलीवरी की बात करें तो ऑफकोर्सली 100% डिलीवरी उठाई जा रही है, क्योंकि ये लगातार अपर सर्किट में काफ़ी दिनों से आप बोल सकते हैं 1 मंथ के एवरेज में भी लगातार यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। तो एक अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव संकेत देखते हैं कब तक मिलता है, बट यहाँ पर आप एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ शेयर है तो आप 4 स्लॉट में बांट के 1 स्लॉट यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार तेजी एक सही चीज नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ पे ASM या GSM की लिस्ट लास्ट में जा सकता है। ओके, एंड अभी हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया का जैसा कि यहाँ पे अपडेट है, आज ये 0.72% यहाँ पे गिर के 10 पैसे यहाँ पे गिर के 13.80 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे ये बंद हो जाता है। यदि इसकी हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 13.90 रुपए था, एंड ये ओपन 14.05 रुपए की ठीक ठाक तेजी के साथ ओपन होता है। देन फिर उसके बाद ये अपना यहाँ पे लो 13.70 रुपए एंड 14.20 रुपए बनाते हुए एंड लास्ट में जो अपने ट्रेडिंग टाइम पर 13.80 रुपए पे बंद हो जाता है। यदि इसकी आज वॉल्यूम एंड डिलीवरी की बात करें तो इसमें कल से काफ़ी कम वॉल्यूम यहाँ पे 14 करोड़ का, आज ज़्यादातर सभी शेयरों में आपको वॉल्यूम यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। एंड यदि डिलीवरी की बात करें तो वॉल्यूम के एवरेज में जो डिलीवरी उठाई गई वो कल से परसेंटेज वाइज तो ज्यादा उठाई गई है, बट ये बहुत कम डिलीवरी है। कल यहाँ पे 8 करोड़ की उठाई गई थी, आज यहाँ पे ओनली 4 करोड़ की। बट परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे अच्छी डिलीवरी काफी दिनों से आज ही उठाई गई है। तो यहाँ पे एक जरूर कल के दिन एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये डिलीवरी परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा है पहले से, आप यहाँ पे शो कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये सभी इसमें कुछ क्वायरी देखनी पड़ती है। हमारा नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होने वाला है सिटी नेटवर्क, उसके पहले आप यहाँ पे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, यदि सिटी नेटवर्क की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ, 3.45 रुपए था, और ये अपना ओपन यहाँ पे 3.60 रुपए पे एक तेजी के साथ ओपन होता है एंड पूरे दिन भर एक फ्लैट परफॉर्मेंस में यहाँ पे चलता रहता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फ्लैट परफॉर्मेंस में एक अच्छी तेजी के साथ अपर सर्किट्स में ही दिन भर यहाँ पे ट्रेड करता रहता है। यदि इसकी तेजी की बात करें तो इसमें भी एक बहुत भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये काफ़ी अपर सर्किट लगे, देन फिर थोड़ी सा यहाँ पर तीन लोअर सर्किट लगे थे, 2 या 3 लोअर सर्किट, देन फिर उसके बाद फिर से तेजी। आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो यहाँ की जो डेट है वो आपको यहाँ पर शो रही होगी, ये 7 से 8 दिसंबर की डेट है। 6 दिसंबर से लगातार इसमें अपर सर्किट्स लगने स्टार्ट हैं एंड देन अभी भी अपर सर्किट्स में चल रहा है। जब इस यहाँ पे लेटेस्ट प्राइस की बात करें उस समय तो ये यहाँ पे 2.30 रुपए पे था, तब से इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। तो काफ़ी इसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है सिटी नेटवर्क में। आप यहाँ पे यदि इसका प्राइस परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो 1 वीक में अराउंड यहाँ पे 4.35% के अच्छे रिटर्न है, 1 मंथ में अगेन यहाँ पे 40% अराउंड के रिटर्न, 3 मंथ में बहुत अच्छे रिटर्न। YTD 1 जनवरी से यदि अभी तक की बात करें तो इसमें 148% की बेहतरीन रिटर्न, एंड 1 ईयर की बात करें तो 200% की एकदम रॉकेट रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट थ्री ईयर से यदि कोई इसमें निवेश किया हुआ है तो वो जरूर यहाँ पे निराश होगा नेगेटिव रिटर्न के साथ।
यदि इसकी यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो 100% ही डिलीवरी इसमें निकल के आ रही है, क्योंकि लगातार इसमें और यहाँ पे अपर सर्किट्स में चल रहा है। यदि सिंटेक्स प्लास्टिक की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसका प्रीवियस क्लोज हमें यहाँ पे 13.45 रुपये पे शो हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे हम यदि ओपन की बात करें तो 13.80 रुपये के साथ ओपन होता है, देन फिर ये अपना तुरंत वहीं पर अपना पीक भी बना लेता है, 13.80 रुपये ही इसका पीक रह जाता है। देन फिर उसके बाद ये गिरावट में ही रहता है पूरे दिन भर, एंड लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर तो इतना गिर जाता है कि 12.85 रुपये के साथ अराउंड 4.5% की गिरावट के साथ ये बंद होता है, ओके। एंड यहाँ पे यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी आज इसमें ठीक ही रहा, कल से काफ़ी कम था, आधा वॉल्यूम था 1 करोड़ का। एंड इसमें जो डिलीवरी देखी गई है वो 69 लाख की डिलीवरी थी, यदि परसेंटेज वाइज बात करें तो ज़्यादा ही है, बट यदि वॉल्यूम वाइज बात करें तो ये कम ही डिलीवरी है कल से। तो इसमें कल भी यहाँ छोटी मोटी नीचे डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस से हम शो कर पा रहे हैं। यदि HFCL शेयर की बात करें तो HFCL का शेयर यहाँ पे आज के दिन 1-2% की तेजी के साथ 78.20 रुपये पर बंद होता है। यदि कल की इसकी प्रीवियस क्लोज की यहाँ पर बात कर लेते हो, 76.55 रुपये के साथ प्रीवियस क्लोज था, देन यहाँ पर ओपन होता है 77.70 रुपये, 77.70 रुपये के साथ ओपन होता है। एंड देन फिर ये अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये अपना यहाँ पे लो बना लेता है, इसका जो लो रहता है वो यहाँ पे 76.80 रुपये रहता है, फिर यहाँ पे अपना हाई 12:30 बजे के बाद यहाँ पे हाई अपना बना लेता है 76.79 रुपीज़ एंड 70 पैसे यहाँ पे हाई बना लेता है, देन फिर लास्ट में थोड़ा सा गिरकर करेक्ट होकर 78.20 रुपये के साथ बंद हो जाता है। यदि वॉल्यूम एंड डिलीवरी की बात करें, सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी YTD में लगातार 200% की बहुत बेहतरीन रिटर्न है। यदि 1 ईयर की बात करें तो 200% के अगेन रिटर्न, एंड 3 ईयर की बात करें तो कोई भी अनिराश नहीं है कहीं भी किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो, बट यदि जिसने यदि नया नया इन्वेस्ट किया है तो वो जरूर यहाँ पे 1% की नेगेटिव मार्किंग के साथ थोड़ी सा निराश यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, ओके। बट यहाँ कोई भी निराश नहीं है क्योंकि सबके रिटर्न यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं। यदि यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी 1 करोड़ का निकल के आता है, देन उसमें से यहाँ पे डिलीवरी 33 लाख की ठीक ठाक डिलीवरी निकल के आती है, तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को कल मिल सकती है, क्योंकि कल से काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी है, एंड परसेंटेज वाइज बात करें तब तो कम ही देखने को मिली, वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आ रहा है, ये थोड़ी यहाँ पे एक चिंता का विषय जरूर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पॉजिटिव मूवमेंट जारी रहने वाली है, ओके। तो लास्ट में वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आप प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।